क्या है ये सब? क्या हुआ मैडम? कॉकरोच? ये कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब इस गंदे पानी में से आया। पक्का नाली वाला पानी यूज करते होगे ना तुम? नहीं नहीं मैडम, मैं तो ताजा पानी लेकर आता हूँ। कोई यहीं कहीं पेड़ से गिर गया होगा। पेड़ से गिर गया हो? बेवकूफ समझते हो क्या तुम मुझे? अभी रुको। हाय गाइस, देखिए ये अंकल यहाँ पर गोलगप्पे बेचते हैं। इतना गंदा पानी यूज करते हैं कि इनके पानी में से निकला जी। मैडम बड़ा बड़ा मत करिए, ये कैमरा वैमरा बंद कर दीजिए। देखिए मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन एक क्षण जी बोलिए। अब से मैं रोज यहाँ पे गोलगप्पे खाने आऊंगी फ्री के। जिस दिन तुमने मना किया उस दिन ये वीडियो वायरल। बोलो मंजूर है? जी ठीक है। चलो खिलाओ दूसरा दो। रहने दो, आज पैक कर दो। कितने? घर में पार्टी है, 20-25 लोग तो होंगे। एक काम करो 200 पैक कर दो। मैडम इसके पैसे तो मिलेंगे ना? पैसे? कॉकरोच वाली वीडियो भूल गया तू? देखिए मैडम, मैं आपको 3 महीने से फ्री में गोलगप्पे खिला रहा हूँ बिना एक सवाल किए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने आपको फ्री में दे दिया तो। मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है। मैंने कहा था तुम्हें गोलगप्पों में वो गंदा नाली वाला पानी मिला के बेचने को। ऐसी बात नहीं है मैडम, अब तो अच्छी तरह जानती है, अब तो रोज गोलगप्पे खाती है। तब जो मर्जी आप चाहे करें, माफ करना मैं अपना पेट काट के आपको फ्री में नहीं दे सकता। अच्छा एक मिनट, भैया आप इधर आना। ये क्या कर रही है मैडम आप? भैया ये अंकल गोलगप्पों में गंदा नाली वाला पानी मिलाकर बेचते हैं, और अगर कुछ बोलो तो ऊपर से चिल्लाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, एक मिनट रुको भैया। ये देखो मेरे गोलगप्पों में से उस दिन कॉकरोच निकला, इतना गंदा पानी यूज करते हैं ये। कस्टमर को जान से मारना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। सर ये पासपोर्ट रिन्यू। आईडी प्रूफ दीजिए अपना। ये पासपोर्ट और आईडी प्रूफ दोनों पे एड्रेस अलग अलग क्यों लिखा है? सर वो मैंने भी रिसेंटली अपना एड्रेस चेंज किया है। तो मैडम पहले दोनों पे एड्रेस सेम करवाइए, उसके बाद आना। सर बट वो तो यहाँ भी हो जाएगा ना? तो अब आप सिखाएंगे मुझे मेरा काम? नहीं सर, एक्चुअली मैंने अब्रॉड की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, थोड़े ही दिनों में उसकी ड्यू डेट है, प्रोसेसिंग में भी टाइम लग जाएगा। सर आप जल्दी करा दीजिए ना। अरे मैडम तो विदाउट वेरिफिकेशन थोड़ी भेज देंगे आपको, हमारी इंक्वायरी डिपार्टमेंट है, वहाँ जाओ सब बता देंगे आपको। हम जाओ मैडम, खड़े क्यों हो? Thank you.
आज मेरा पासपोर्ट मिलेगा या नहीं? नहीं, आपका पासपोर्ट आज भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे पासपोर्ट ऑफिस की एक वीडियो बनाइए और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। लेकिन फायदा क्या है, पासपोर्ट एक दिन में तो फिर भी नहीं मिल पाएगा, आपका करियर बर्बाद। सर आप चाहते क्या हो, क्यों मेरा करियर खराब करने पे लगे हुए हो? आपको ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि जब आपका करियर आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कैसा महसूस होता है? मतलब साकेत में एक बूढ़े व्यक्ति अपनी गोलगप्पे की रेडी लगाते थे, आपने कुछ पैसों के लालच में उनकी एक फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, उन्हें लोगों से पिटवाया और उनकी दुकान भी तोड़वा दी। मगर उन सब का आपसे क्या लेना देना? मौसा जी हैं, आपने चंद पैसों के लिए इतना बड़ा नुकसान कर दिया उनका, उनके जीवन भर की कमाई, उनकी मेहनत सब बर्बाद कर दी है। आज उन्हें अपने घर चलाने के लिए घर घर जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। सर प्लीज सॉरी, मैं नहीं जानती थी, मेरी वजह से घर इतना नुकसान हुआ है। मैं आज ही उन्हें उनकी दुकान वापस दिलवा दूंगी, आई प्रॉमिस। ईशा जी आप लाइफ में कितना आगे बढ़ जाएं, लेकिन कभी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मत दुखाइएगा। आपका पासपोर्ट कल ही रेडी हो गया था, आइए मैं दे देता हूँ आपको। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।